जी नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का एडल्ट ग्रुप चलाना हो तो आप अनियन मैसेंजर पे कैसे चलाएं। दोस्तों आपको पता होगा कि आजकल व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स में जो यूज़र के डाटास होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ लीक या शेयर कर दिए जाते हैं। सो आज से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम को यूज़ करना बंद कर दीजिए। और दूसरी बात है यह कि आपको हर बारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम को रजिस्टर करने के लिए फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है। सो हम लोगों को फ़ोन नंबर किस लिए चाहिए, हम लोग फ़ोन नंबर क्यों दें अपना किसी भी चीज़ पे रजिस्टर करने के लिए। सो आज से हम लोग अनियन मैसेंजर यूज़ करेंगे। अनियन मैसेंजर चैट एनोनिमस ये एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। सो आज हम सीखेंगे कि हम अनियन मैसेंजर किस लिए यूज़ करें, क्योंकि हमें अनियन मैसेंजर में अपना फ़ोन नंबर नहीं देना पड़ता है रजिस्टर करने के लिए। हमें कोई अगर हमारा एडल्ट ग्रुप हो तो उसे कोई बैन नहीं कर सकता, ना ही कोई रिपोर्ट कर सकता है, और ना ही हमारे परमिशन के बिना कोई ज्वाइन हो सकता है। और इसका इंटरफेस भी बहुत बहुत अच्छा है और सिंपल इजी टू यूज़ है टेलीग्राम और व्हाट्सएप की तरह। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। ये है हमारा ऐप अनियन मैसेंजर चैट एनोनिमस। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह है। इसमें आपको जब भी आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, मैं इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा और अपना अनियन मैसेंजर का आईडी भी, इसे देख लीजिए कि सिंपल है। आप जब अनियन मैसेंजर इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो सिंपल एक यूज़र नेम देना पड़ेगा आपको। यूज़र नेम मीन्स आप अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी अटपटा नाम देना जो कभी पहले नहीं किसी ने यूज़ किया हो, नहीं तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। जैसे कि कुछ भी ऐसा नाम जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, जैसे कि TRUXGHIPP, ऐसा ही कुछ भी अटपटा सा नाम दे देना, इसको करके आगे बढ़ जाना। ऐसे आगे बढ़ना है, उसके बाद आपका जो अनियन मैसेज वही होगा, जैसे कि TRUXIPP@onionmessenger.com। ये जो है ये आपका यूज़र आईडी होगा। आपको अगर किसी भी फ्रेंड को ऐड करना हो, किसी को भी ऐड करना हो, तो आप ये यूज़र नेम टाइप करके उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी को ऐड कैसे करना है। सिंपल, आपको नीचे एक ब्लू आइकन दिख रहा होगा, ये जो ब्लू आइकन है गोल सर्कल से ह्यूमन बीइंग की तरह होगा, प्लस सिंबल होगा ब्लू कलर का सर्कुलर आइकन गोल का। तो इसमें आपको यहाँ पे जैसे कि टच करने के बाद ऑटोमेटिकली ऑप्शन दिखा देगा जेबर आईडी। जेबर आईडी जैसे आपने कोई यूज़र नेम डाला था, जैसे कि SriX@onionmessenger.com है, इसी तरह से एक यूज़र नेम ऐसे डाल देना है। यूज़र नेम होना चाहिए, मतलब ये फ्रेंड आपका एग्जिस्ट होना चाहिए। तो आपके फ्रेंड ने मान लो इस नेम पे आईडी बनाया, तो यही आईडी आपको और आपके फ्रेंड को कनेक्ट करेगा। आपका अगर आपको आपके फ्रेंड को अगर आपको कनेक्ट करना है, तो उसको ये आपका आईडी जो है ऊपर लिखा हुआ SRYUIX@onionmessenger, ये टाइप करना पड़ेगा आपको ऐड करने के लिए आपके फ्रेंड को। ये चीज़ है, आपके फ्रेंड का आईडी ज़रूरत होगा। अब अगर आप किसी भी फ्रेंड को कनेक्ट करना चाहते हो, या तो फिर अगर आपको फ्रेंड आपको कनेक्ट करना चाहिए, तो उसको आपका आईडी देना पड़ेगा वहाँ पे अपने इनबॉक्स में। इस तरीके से आप फ्रेंड ऐड कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। ग्रुप क्रिएट करने के लिए वही है, नीचे ऊपर जो ऑप्शन है आपको कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप चैट्स का, नीचे फिर वही सिंबल मिलेगा उसको गोल्ड कलर का ब्लू कलर का, उसको टच कर दीजिए। उस पर ऑप्शन आया क्रिएट चैट, उसको सिलेक्ट कीजिए। देन कोई भी आप अपना ग्रुप नाम जैसे GXYD, जो भी आप अपने एडल्ट ग्रुप का जो भी नाम देना चाहते हो उसको दे के आगे बढ़िए। चूज़ पार्टिसिपेंट्स, देन कुछ भी उसका नाम जो भी आपका फ्रेंड होगा
उसका पहले आप कॉन्टैक्ट्स के ऐड करना होगा, उसके बाद उस कॉन्टैक्ट जो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट होगा उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में यहाँ पे उसका आईडी आपके फ्रेंड का डिस्प्ले हो जाएगा, आपका फ्रेंड का यहाँ पे नाम, तो उसको सिलेक्ट करके डन कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। सो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कैसे आपको पिक्स शेयर करना है या किसी को भी इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए किसी को भी अपने ग्रुप में यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आएगा आपका इनवाइट कॉन्टैक्ट, उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जो भी आपके जितने भी दोस्त होंगे उनका आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे नीचे ब्लू कलर का एक सिंबल एरो सिंबल आएगा, उसको सिलेक्ट टच कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके ऐड होते ही जितने भी आपके न्यू मेंबर्स ऐड होंगे यहाँ पे आपके ग्रुप में, वो आप जब भी कुछ भी हाय या कुछ भी लिखेंगे उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले होगा ब्लाइंडली ट्रस्ट का, तो उसके ऊपर आप डन कर दीजिएगा, जो भी होगा कुछ भी होगा तो डन। तो उसके बाद आपको सिखाता हूँ कि किसमें ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोस ऐड करने हैं। ये जो मिडल आइकन है इसको अटैचमेंट्स का, इसको टच कीजिए, यहाँ पे आएगा चूज़ फाइल चूज़ पिक्चर, इसमें कुछ भी चूज़ फाइल या चूज़ पिक्चर करके आप अपने वीडियोस या फिर फोटोज़ डाल सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये रहा अपना वीडियो।